time the Fresher'S has started. So this is one of my friends. So let's see what happens. I'll just let you know what happens in this Fresher'S, because I'm quite very much excited. As well as I'll also let you know, as well as I'll also show you what all are going to happen, because as I can see, the preparations are already going on right now. So let's see what's there for us. I take this pleasure to welcome the Fresher as well as you all in this institute. And we all are aware, as usual, we are gathered here for this special party. And we welcome again to our first year student, Fresher in IHM. And since we are already late, I'll request Charanjot to please proceed for the further program. Thanks for coming. Okay, bye. This brings us to the theme of our Fresher'S, the patriotism. Yeah.
Jaipur. और भाई फर्स्ट ईयर्स कौन कौन यहाँ शहर बनने आया है? और कितनी कितनी बहने बन गई सबकी? किसी को यहाँ पे आए चल की फैमिली ट्री पता है? मैं बताऊंगा, क्योंकि सारी बहने लड़के तो खास तौर से सुने, जो तुम्हारी बैचीज है फर्स्ट ईयर वो है तुम्हारी क्या बहने, और सेकंड ईयर सीनियर वो है माँ, और आती है तुम्हारी सीनियर मोस्ट थर्ड ईयर वो है तुम्हारी दादी माँ। Challenge oath means to say catwalk. So now we are presenting the first round of the Fresher's competition, which involves introduction and the ramp walk. Singing, playing guitar and walk out. Thank you so much. Yeah.
faculties are singing and playing badminton, and I have been a state player of badminton also. Thank you. Good evening, everyone. I'm Raghav Manducha. Belongs to a city which has the greatest, biggest airbase in Asia, named Bareilly from Uttar Pradesh. And talking about myself, I'm an ex-NCAA cadet, sports freak, a part-time shyer, badminton player, a simple guy with a little pinch of attitude. Thank you. Champion 2017, and I have been a university player, and I have been into music from a very young age, and I'm a vocal percussionist as well. So thank you everyone. लड़कियों का बहुत डांस देखा होगा आज तक। अब बारी हमारे कॉलेज के स्टड बॉयज की। देखे हमने तो सारे लोग अपना दिल थाम के बैठे हैं क्योंकि वो स्टेज पे आग लगाने वाले हैं।
जयपुर है, ये आईएचएम जयपुर है। अगर लड़के यहाँ भी हाथ जाते हैं ना तो जीतेंगे कहाँ? So now let's take the trip in search for the talent in the boys. We request Ashwini Kumar to please come on stage. हमने भी सोचा था एक प्यारी सी सुबह हो जब एक हाथ में उनका हाथ और दूसरे में हमारी चाय हो। अच्छा उसके बाद तो पास में कौन कौन अटका है, मैं पास में अटक चुका एक बार, तो उसमें क्या होता है अपने मतलब
बस याद करते रहते कि यार ये चीज हुई थी, ये चीज रह गई, हुआ रह गया। तो हमारे साथ एक हुआ था, गुलाबी शाम में उनका हाथ पकड़ के चलना था हमारा ख्वाब। गुलाबी शाम में उनका हाथ पकड़ के चलना था हमारा ख्वाब। ख्वाब तो पूरा हो गया मगर छूट गया उनका साथ। अच्छा भाई, इस सब के बाद सबका दर्द बोलने का अलग अलग तरीका होता है। लोग आपसे पूछते हैं कि भाई कैसा है, क्या हाल चाल। अच्छा, कुछ टॉन्ट मारने के लिए भी पूछते हैं, तो हमारा जवाब क्या है? मेरा दर्द ही कुछ ऐसा था, ना बता सका ना लिख सका। मेरा दर्द भी कुछ ऐसा था, ना बता सका ना लिख सका। अंदर ही अंदर घुटते रहा, ना मर सका ना जी सका। अच्छा, एट लास्ट क्या है, रिलेशनशिप कैसा भी जाए, अच्छा चल रहा है या ब्रेकअप हुए, आपके दोस्त हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा। इनफेक्ट ब्रेकअप के बाद भी आपको टॉन्ट, आपकी टॉन्ट मार मार के आपको हंसा देते हैं। तो हमारे तो दोस्त ऐसे थे, तो ऐसे लोग पूछते थे कि भाई तू खुश कैसे है, तेरा ब्रेकअप हो गया तो होना चाहिए, हम खुश है। तो इसमें हमने जवाब देखा था, ना वो है ना है हाथों में हाथ, ना वो है और ना है हाथों में हाथ, फिर भी खुश है हम क्योंकि मेरे यार है मेरे साथ। अच्छा, सबके एक्स डिफरेंट टाइप होते हैं, कुछ होते हैं दुखतीनस पे हाथ रखने वाले, हर कुछ टाइम में वापस आ जाना, यार ये हेल्प कर दे, यार ये चीज चाहिए, यार ये यहाँ बोले। अच्छा, हम मना भी नहीं कर सकते क्योंकि हम प्यार करते हैं। और इन सब के बाद उनके एक कॉमन डायलॉग होता है कि दैट आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हें दर्द देता हूँ, मैं तुम्हें हेल्प नहीं करता। तो उसके लिए हमने लिखा था, प्यार करते हैं चाहत नहीं रखते, प्यार करते हैं चाहत नहीं रखते, सहारा देते हैं उम्मीद नहीं रखते। अच्छा, जब आप हेल्प कर देते हो तो कुछ लोग आपकी औकात खत्म कर देते हैं, स्पेशली आपका एक्स, उनको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ बोल ही नहीं सकते। तो उसमें भी एक आंसर लिखा था, लिखना चाहूं तो हर बात लिख सकता हूं, पूरे कायनात की औकात लिख सकता हूं, अरे ये तो मेरा प्यार है जो मैं शांत हूं, अरे ये तो मेरा प्यार है जो मैं शांत हूं, अपने पे आया तो हर शाम रुला सकता हूं। अच्छा, ये तो यहाँ पे मैं अपनी स्टोरी खत्म करना चाहता हूँ। अब हम आ गए एंड गेम में। ब्रो द स्मेल वाव, कैट्स टू म्याओ, एवरीवन गेट्स रेडी बिकॉज वी आर इन द एंड गेम नाउ। इसी के साथ अपनी फाइनल शायरी के साथ मैं अपना ये खत्म करना चाहूंगा टैलेंट कि मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो आपकी खामोशी में मतलब आपको बहुत कमजोर समझ जाता है, मतलब आप खामोश रहते तो आपकी इसको कमजोरी समझ जाते हैं। तो उसी पे कुछ कहना चाहूंगा, मत जाना मेरी इस खामोशी पे, चुप्पी कभी भी टूट सकती है। मत जाना मेरी इस खामोशी पे, चुप्पी कभी भी टूट सकती है। तैयार रहना मेरी दहाड़ के लिए क्योंकि उससे तेरी जान भी निकल सकती है। किया है दिल ने बयान, किया है दिल ने बयान, वादा वफा का कमाल तुझसे, किया है दिल ने किया, वादा वफा का किया, वादा वफा का।
Thank you.
Thank you.
फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जाने से पास on the table, doing jhinga lala, where we gave the food.
in the rooms as well. सुबह के 5 बज रहे हैं. I am the third in my room. जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई. There's this billy sitting on the window, staring at me. घूर रही थी मुझे. उसके दिमाग nightmares आते हैं मुझे. इसी चक्कर में मेरी मम्मी ने काला खाका बनवा के भेज दिया है. हौली हौली गिरते गिरते लगा जाते, हौली हौली गिरते गिरते नच बदलोनी तेरा लग नाम रुड़ा जाते, कच दा समान बिलो रख साम के गिरते सोनी तरक ना जाते. नहीं जाना मेरे नाम नहीं जाना.
afternoon, everyone, once again. My question is, according to you, what are the two most important things to achieve the crown of Mr. and Mrs. Fresher? Well, according to me, the two most important things to achieve the crown of Mr. and Mrs. Fresher is first the dedication level. The dedication level that the participants have put in their performance in the talent round, in the rap form, have shown how much they want to win the crown of Mr. and Mrs. Fresher. As for the first years, it's one of the most important things to achieve, as you can get recognition from it. And all the third years, they'll give everyone to win Mr. Fresher's. So the second most important thing that we need, all the participants need to achieve this, the crown of Mr. and Mrs. Fresher, is they have to show the hard work and the talent they have, which everyone according to me has shown a lot. So thank you. Okay, so my question is, what is the role of internet or social networking sites on youth? So, as you all know that we are very well aware about internet and the social media. And if we talk about the social media, then first of all, about the education, we all know that our goals and everything is coming to us on WhatsApp groups and many more groups of Facebook and many more things. So this is very important thing that we all have to be aware about networking and social media. Thank you so much. Because they are the ones who are helping me make my career.
who they're making me. So definitely my family. Thank you. Good evening, everyone. So my question is, what is the one change you would like to bring in you and why? The one change which I'd like to bring in you and why? I would like to be more interactive with you, because since the last few months I'm closing myself to myself. I'm not interacting with the people. I'm trying to bound myself, bound my surroundings. That's what I would like to change in myself. And in fact, I'm trying, my seniors and my faculty is trying me to open me up, to bring me here. Like today, I'm standing in front of you. I'm opening myself in front of you. So thank you to my faculty and especially my seniors who have given me the self-confidence to stand in front of you. Thank you. So my question is, would you like to be born as a man or a woman in the next battle? So my answer is, I would like to be born as a woman because I have seen my mother, I have seen everything struggling over here. Even I have a dream of having a girl child. I don't know, it's I've seen ladies struggling in their lives. I've seen my sister struggling. So that's why I want to be, can I struggle or not, or can I be in that level of life that I want to be on. Thank you. Thank you all. We'll be waiting for the results later on. Thank you. नहीं मन्नत नहीं तुमसे ना हो पाएगा तुम करते हो तो ऐसा लगता है जैसे बीट बॉक्सिंग के नाम पे कलंक
आओ हम आप सबको मिलवाते हैं हमारे दो रॉक स्टार्स से, जिनको स्पीकर से निकली हुई आवाज पूरी नहीं पड़ती, इसीलिए वो अपने मुंह से पसंद करते हैं निकालना आवाज. Give a huge round of applause for Rachel and Arif, the people. You know what to do with a big Yeah.
इवनिंग गाइस, मेरे दोस्तों ने आपको सरप्राइज किया था, मैं उन्हें लेकर आ जाऊँगा, मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, प्लीज डोंट माइंड यार. ओ कसूती दे तेरी, ओ कसूती दे तेरी, पर यार जिगरी कई कॉलेज दे विच आउंदे यार टाइम पास नूं ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੇ ਆਸ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੇ ਆਸ ਨੂੰ ਕਈ ਯਾਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਫੜੀ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ ਵਿਗੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਸੁੱਤੀ ਡਿਗਰੀ ਉਹ ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਇੱਕ ਸੁੱਤੀ ਡਿਗਰੀ ਪਰ ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਇੱਕ ਸੁੱਤੀ ਡਿਗਰੀ ਪਰ ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਲੈ ਲੋ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੈ ਲੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਹੋੜ ਦੋ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕਾਰ ਨੇ ਪਏ ਪਰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਝੂਟੀਆਂ ਤੇਰੀ ਫਾਨਾ ਚਿੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਉਹ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਮੋੜ ਦੋ ਉਹ ਲੈ ਲੋ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੈ ਲੋ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮੋੜ ਦੋ ਆਲ ਦਾ ਮਾਈਕ ਪਲੀਜ਼ ਦੀਕਸ਼ਾ ਖੰਡੂਸਕਰ ਅੰਜਲੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਐਂਡ ਗੌਤਮ ਜੋਸ਼ੀ Thank you.
अब आपके दिलों की धड़कनों को और बढ़ाते हैं क्योंकि अब समय आता है नतीजों का। So now the Mr. and Miss Fresher'S 2019. Now we would also like to call our Mr. and Miss Fresher'S 2017 to come on the stage to give the memento. The Miss Fresher'S 2019 is Muskan Arora. I request Muskan to come on stage, please. मिस्टर फ्रेशर कौन बनेगा? And the faculty, of course. Thank you, sir. Thank you, ma'am. And everyone.
so much. I would like Mr. and Miss 2019 and Mr. and Miss 2017 Fresher'S to have a round for combined. Thank you.
now signing off for the day. Namaste, Sat Sri Akal, Khuda Hafiz, Khana Zarur Khaana. Thank you.
बहुत आ रहे हैं भाई, नंबर दे, नंबर दे, Yeah.
Guys, just go and have your snacks, please.
Thank you.
बेटियां पसंद I'm gonna make you mine.
Thank you.